मैं प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता हूँ, दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल में सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। यस, आज हम बात करेंगे अपने हार्ट अटैक के बारे में, क्योंकि हार्ट अटैक से कभी रिसेंटली 3-4 जगह देखा गया है कि सडन डेथ हुई है, और ख़ास करके कुछ लोग परफॉर्म कर रहे थे, कुछ लोग ट्रेडमिल पे थे। बॉलीवुड के जब लोग जो सेलिब्रिटी होते हैं उन लोग को आकस्मिक हार्ट अटैक होता है और उनकी अगर मृत्यु हो जाती है या सीरियस हो जाते हैं तो हम लोग को सचेत होने का मौका मिलता है। इस तरह के हार्ट अटैक हम लोग के, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल में, आज 21 अगस्त है, इस तरह के पेशेंट्स हम लोग के लिए नॉर्मली रोज ही दिखते हैं अलग अलग जगह में। लेकिन जब किसी सेलिब्रिटी के बारे में होता है, जैसे कि अभी साउथ के एक सुपरस्टार थे या फिल्म एक्टर थे पुनीत कुमार, उसके पहले के थे सिंगर, जो परफॉर्म करने के बाद उनको दिल का दौरा पड़ा, ये ट्रेडमिल टेस्ट पे, पुनीत जो राजकुमार थे वो ट्रेडमिल कर रहे थे और जिम में थे तब हुआ उनको। अभी हमारे दोस्त, हमारे परम दोस्त कहेंगे, राजू श्रीवास्तव जी जो कि कॉमेडी के किंग हैं, कॉमेडी सितारा हैं, स्टार हैं, उनको भी ट्रेडमिल पे जिम में एक्सरसाइज करते करते दिल का दौरा पड़ा, वो बेहोश हो गए। और ख़ास करके एक बात बताना चाहता हूँ, जब राजू जी की बात हो रही है कि राजू जी 7 अगस्त यानी कि इतवार को हमारे घर में उन्होंने खाना खाया, जिम, वो गाने गाए, कॉमेडी की, और ना उनको पता था ना मुझे पता था कि उनको 2 दिन बाद यानी कि बुधवार को, इतवार के बाद बुधवार को ही एक बड़ा दिल का दौरा पड़ता है, और उनको निकटतम अस्पताल जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज था वहाँ पहुँचा दिया जाता है बाकी इलाज करने के लिए। अब दिल के दौरे के बारे में, चूँकि राजू जी को आपको सबको पता है, आप टेलीविज़न पर देख रहे हैं कि राजू श्रीवास्तव जी अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हो पाए हैं, उनको इमरजेंसी में आधे पौन घंटे बाद एंजियोग्राफी की जांच की गई और उसके बाद स्टेंट लगाया गया। तो पहले से उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी जिसका इलाज पूरी तरह हो गया था, उनको 7 स्टेंट पहले लगे थे और लेकिन वो दवाई रेगुलर खाते थे। लेकिन जब वो जिम में ट्रेडमिल कर रहे थे उस समय उनको उस समय बिल्कुल अकेले थे, अकेले मतलब उनका कोई भी व्यक्तिगत दोस्त या साथी या घर का आदमी कोई नहीं था, और वो एकदम कोलैप्स होते हैं, गिर जाते हैं, जैसा कि जिम वालों ने बताया, उनको शिफ्ट कराते हैं आधे घंटे पौन घंटे में, वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पहुँचते हैं, वहाँ पर इमरजेंसी में उनको CPR दिया जाता है। और उसके बाद उस समय जब पहुँचे थे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, उस समय उनकी पल्स नहीं चल रही थी जैसा कि मेडिकल इंस्टीट्यूट वालों ने बताया, लेकिन CPR देने के बाद उनकी पल्स वापस आई। उसके बाद एंट्रियाटिक बलून पंप लगाया गया, वेंटिलेटर लगाया गया, और उसी दौरान में उनकी हार्ट की एंजियोग्राफी की गई और साथ साथ एंजियोप्लास्टी करी गई जो कि सक्सेसफुल हुई। जब हार्ट तो वापस आ गया, ठीक हो गया, आज ऑलमोस्ट 11 दिन हो चुके हैं, ये 10 अगस्त की बात है, मैंने कहा कि 7 अगस्त को हमारे घर में उन्होंने गाने गाए थे, खाना खाया था, जिसका वीडियो आप शायद फेसबुक पे भी है। तो 10 अगस्त को, उसके बाद से आज तारीख हो गई 21 अगस्त, 11 दिन हो चुके हैं और अभी भी वो पूरी तरह से होश में नहीं है। हार्ट ठीक चल रहा है उनका, लेकिन अभी भी वो उनका ब्रेन पूरी तरह काम नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में 2 मिनट आपको बताऊंगा। जब हार्ट एक तरह का पंप है जो कि पूरी ब्लड को, पूरी बॉडी को सप्लाई करता है ऑक्सीजन, हार्ट अगर रुक जाता है तो सबसे पहले तो नुकसान होता है हार्ट को ही खुद को, लेकिन साथ साथ उस अगर किडनी है, लीवर है, लंग्स हैं, सबकी सप्लाई रुक जाती है, लेकिन सबसे सेंसिटिव ऑर्गन होता है ब्रेन। सेंसिटिव मतलब अगर ब्रेन को सप्लाई 3 या 10-5 मिनट तक ना हो, उस पेशेंट को ब्रेन में डैमेज हो जाता है, इसको कहते हैं हाइपोक्सिक ब्रेन डैमेज। हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो ब्रेन की टिश्यू है वो कमज़ोर हो जाते हैं। अब हाइपोक्सिक ब्रेन डैमेज जब होता है तो ऐसी कंडीशन में जब हमने सप्लाई रिस्टोर भी हो जाती है, रिस्टोर मतलब अब पूरी तरह सप्लाई चल रही है उनको राजू जी की, उसके बाद ही ब्रेन को रिकवरी करने में बहुत समय लगता है। अभी डिपेंड करता है कितनी देर तक हाइपोक्सिया रहा, कितनी देर मतलब कि क्या उनको हाइपोक्सिया केवल 10 मिनट के लिए रहा, 15 मिनट के लिए रहा, 20 मिनट के लिए रहा, या तो कई बार ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जब जिम में बेहोश हुए वो तो उस समय कोई आसपास नहीं था और वहाँ के लोग भी एकदम परेशान हो गए होंगे और उनको लिए गाड़ी अरेंज करी गई होगी। मेरे ख्याल से किसी को जिम से नीचे उतारना, गाड़ी में रखने में 15 मिनट लग जाते हैं, 10 मिनट या बेहोश व्यक्ति को। उसके बाद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में इतनी भीड़ होती है इमरजेंसी में कि एकदम सडनली इमरजेंसी तक पहुंचना, पहले 20 मिनट तो वहाँ लग गए,
इमरजेंसी पहुँचते पहुँचते आधा घंटा हो गया, अंदर 10 मिनट और वेट किया होगा। जब डॉक्टरों ने देखा कि अरे ये तो इमरजेंसी केस है, तो उन्होंने CPR शुरू किया और उनको रिवाइव कर दिया। रिवाइव मतलब ब्रेन हार्ट को रिवाइव कर लिया, वेंटिलेट कर दिया गया। उस समय ये पता नहीं होता है कि ब्रेन कितनी देर में रिकवरी करेगा। जब वेंटिलेटर जब लगाते हैं तो कुछ बेहोशी की दवाई दी जाती है, जब बेहोशी की दवाई बंद की जाती है तो उससे पता लगता है कि अब पेशेंट होश में आएगा या नहीं आएगा। अभी तक 11 दिन में उनके ब्रेन का पूरी तरह फंक्शनिंग नॉर्मल नहीं आई है, और हम विश्वास रखते हैं या भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये नॉर्मल आ जाएगी। कितना समय लगेगा कहना मुश्किल है। अब आती है बात कि इस तरह की अगर केसेस को कैसे रोका जाए। आप लोग जो जितने भी जागरूक इंसान हैं, आप होटल में काम कर रहे हों, रेस्टोरेंट में काम कर रहे हों, सड़क पे जा रहे हों, मेट्रो में जा रहे हों, बस में जा रहे हों, घर में हों, घर के अंदर हों, घर के बाहर हों, तो इस तरह की चूँकि बहुत कुछ लोग ऐसे बेहोश होते रहते हैं जिनको अस्पताल में पहुँचाया जाता है। पूरे इंडिया में भारत की आबादी 130 करोड़ है और विश्व की आबादी करीब 600 करोड़ है, तो उनको देखते हुए बहुत लोगों के ये बीमारी होती है और काफ़ी कुछ लोग बच नहीं पाते। तो इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर इस तरह की पेशेंट आपको मिले तो सबसे पहले उस पेशेंट को ज़मीन पर लिटाइए। माउथ टू माउथ ब्रीदिंग करने की एकदम आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले उसकी छाती में कस कस के, जितने कस कस के घूसे मारिए, इस तरह से आप करिए या कस के दबाइए कस के, तो उससे क्या होता है पेशेंट में या जो हार्ट है जो रुका हुआ है वो कई बार चलना शुरू कर देता है। अगर हार्ट चलना शुरू कर दिया तो फिर ब्रेन की सप्लाई रिस्टोर हो जाएगी और उसके ब्रेन को इतनी क्षति नहीं होगी। जब तक अस्पताल पहुंचता है तब तक पेशेंट कई बार ब्रेन डेड हो जाता है। इसको रोकने के लिए तरीका यही है, सबको बताना चाहूँगा, अगर इस तरह की कोई चीज़ आपको मिलती है कहीं भी आपको देश में अपने घर के पास, सबको ही पता होना चाहिए। सबके पास DC शॉक मशीन नहीं होता, लेकिन अगर इस तरह का होता है तो आपको कस घूसा मारिए। और हमारे साथ में डॉक्टर चैतन्य गुप्ता भी हैं, हमारे चिन्मय गुप्ता हमारे बेटे, और वो भी ये बात सबको पब्लिक को बताना चाहेंगे किस तरह से फर्स्ट एड, अगर जिम में, हर जगह जिम में अगर डॉक्टर ना हो लेकिन जो स्टाफ है उसको पता होना चाहिए कैसे करना है। तो व्हाट इज़ योर ओपिनियन, इस तरह की किस तरह से जागरूक किया जाए पब्लिक को? जो भी जिम्स हैं ऑल ओवर इंडिया, उसमें सबसे पहले तो जो भी एक्सरसाइज करने आते हैं उनको 20 मिनट का ट्रेडमिल का एक्सरसाइज करने का वो देना चाहिए। उसके बाद कुछ रेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक घंटा कर रहे हैं, 1.5 घंटा 2 घंटे लगातार कॉन्स्टेंट स्पीड पर एक्सरसाइज करे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो भी जिम के ट्रेनर्स हैं, जो वहाँ पे जो भी ट्रेनिंग कराते हैं लोग, उनको जो वहाँ पे जो जिम के अंदर स्टाफ है, उनको पूरा आइडिया होना चाहिए कैसे CPR देना है, कैसे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इमरजेंसी में किस तरह से पेशेंट को एड देना है। वो आप बात समझ गए होंगे, अगर जिम के अलावा कहीं घर पे भी, बाहर भी, बस में, ट्रेन में, मेट्रो में, अस्पताल में, अस्पताल के बाहर, अस्पताल के अंदर, मूवी हॉल में, कहीं भी इस तरह का कोई आपको पेशेंट दिखे जो एक्सरसाइज बिना करे भी अगर बेहोश होता है, तो उसको सबसे पहले ज़मीन पर लिटा के उसकी छाती पे घूसे मारिए। जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी फ़ायदा होगा, और कई बार ये पेशेंट 100 में से 80 पेशेंट ठीक हो जाएंगे। 100 में से 80 बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर वी गुप्ता फ्रॉम कार्डियोलॉजिस्ट एंड बफोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। 21st August टुडे आई एम इन होटल लीला एम्बियंस एंड आई थॉट दिस इज द राइट टाइम टू गिव ए ओपिनियन अबाउट हाउ टू प्रिवेंट सडन डेथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।